अगर आप लोग बॉस्टन जा रहे हो तो ये व्लॉग फॉलो कर लो, अगर नहीं भी जा रहे फिर भी फॉलो कर लो यार। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? मैं हुसैन इफ्तिखार और पार्ट ऑफ यह के जानी। अभी मैं लबक एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और हाफ एन आवर बाद मैं यहाँ से फ्लाई करने वाला हूँ टेरेस की तरफ। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ थोड़ी देर तक बताता हूँ। डोमेस्टिक फ्लाइट का ये प्लान थोड़ा छोटा था, बट आप लोग मैनेज कर लेना। चारकुल कलमे और द्रुचिव पढ़ने के बाद सीट को मजबूती से पकड़ लेना है, क्योंकि डर भी लग सकता है। विंडो सीट्स व्लॉगर के लिए मस्ट है जानी, क्योंकि बादल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। 40,000 अप टू सी लेवल, यहाँ पे शॉट लाजमी बनाना यार, क्योंकि ऐसे व्यूज कभी कभी आते हैं। 1.5 आवर आसमान की बुलंदी छूने के बाद बिलाकर हम लोग लैंड कर गए DFW इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन डैलस। जानी आई एम इन डैलस राइट नाउ और अभी मेरी रिकॉर्ड फ्लाइट है। और कहाँ की फ्लाइट है थोड़ी देर तक बताता हूँ। इस शॉट को बनाते हुए आपके भाई को लोगों ने फुल जज किया। एंजॉयमेंट तो होती रहेगी, बट सबसे पहले एयरपोर्ट के थर्ड फ्लोर पे जाओ और स्काईलाइन का वेट करो। स्काईलाइन ट्रेन पे बैठो और अपने टर्मिनल का इंतज़ार करो। और हाँ, ये व्यू कभी मिस मत करना यार। जानी साहब, अपने ज़रा मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ चलते हैं और जाके बोर्डिंग करते हैं। एक बार फिर से बोर्डिंग करवाओ और अपनी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए प्लेन की तरफ चल पड़ो। जानी, गेट के अंदर फ्लाइट डिले होने के बाद सो फाइनली नाउ आई एम गोइंग टू ऑस्टिन टेक्सास। अभी चलते हैं। बात फिर दुरूद शरीफ कलमे सफर की दुआ और सीट मजबूती से पकड़ने के साथ साथ इस व्यू को भी एंजॉय करना यार, क्योंकि वाकई ये व्यू बहुत प्यारा था। तो इस तरह आप लोग बादलों को चीरते हुए 40,000 फुट की बुलंदी पे चले जाएंगे। आसपास अगर प्यारी लड़कियां बैठी हैं तो पहले देख लेना यार, क्योंकि बाद में नजरों से ओझल हो जाएंगी। ये प्लान, ये बादल, ये टॉप एंगल और ये मोमेंट, उफ, इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता यार। 1 आवर और 15 मिनट्स का ट्रैवल करने के बाद आखिरकार ऑस्टिन पहुंच ही जाओगे। जानी, आई एम एट ऑस्टिन एयरपोर्ट। मैं अपना लगेज उठाता हूँ और यहाँ से निकलते हैं बाहर। बाय द वे, आई एम टू मच टायर्ड। ग्राउंड फ्लोर पे आओ, लगेज उठाओ और चल पड़ो रेंटल कार की तरफ। जानी तो आपका भाई पहुंचा है रेजिडेंसेस इन मैरियट और जाता जाके अंदर चेक इन करता है यार। आई एम टू मच टायर्ड यार, सीरियसली टू मच टायर्ड। जानी तो निसान सेंट्रा SV स्पॉन्सर्ड व्लॉग है, कुछ तो शशके होंगे ना यार। बाय द वे, अभी जरा अंदर जाते हैं और चेक इन करते हैं जाके। हाँ जी भैया, जानी तो आई एम इन ऑस्टिन टेक्सास राइट नाउ और अगले 14 डेज मैं इसी जगह इसी रूम में और जो गाड़ी आप लोगों ने अभी देखी है मैं इसी गाड़ी में ऑस्टिन में
घूमने वाला हूँ, तो पार्लर है अभी आपका भाई कैमरा ऑफ करता हुआ जाके फ्रेश हो। जानी तो सब कुछ होटल में छोड़ा और आया हूँ जाविया ग्रिल पे के पास, क्योंकि इंतहा की भूख लगी हुई है मुझे और जाते हैं जाके कुछ देसी ट्राई करते हैं यार। हाँ जी भैया, जाने तो ऑसम आपने सबसे पहला जो काम है वो है पेट पूजा, और उसके लिए मैंने जाविया ग्रिल देसी प्लंट को चूज किया है। ये पाकिस्तानी प्लंट है और अभी मेरे अपनी फेवरेट चीज़ मंगाई है वो आती है, तो खाते भी हैं और उसके रिव्यू भी बनाते हैं, बाजार में हालात अभी टाइप है। अगर आप लोग टेक्सास के कैपिटल की बात करें तो ऑस्टन इज अ कैपिटल ऑफ टेक्सास। जाने आप लोग टेक्सास कैपिटल की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने खड़ा हो तो आप लोग इस तरह व्यू शेयर करते हैं। जाने देखो, जब आप एक ट्रिप पे हो और आपके साथ कोई दोस्त ना हो जो अच्छा फोटोग्राफर हो तो आपको दिक्कत हो, जैसे अभी मुझे अभी आई मीट सम कोरियन गर्ल, शी इज अ गुड फोटोग्राफर जिसने मेरी पिक्चर्स खींची, आई डोंट नो कैसे आई है, बट यहाँ पे आने के बाद आपके भाई ने ये रियलाइज कर लिया कि यार अकेले मत आओ क्योंकि पिक्चर्स अच्छी नहीं आई। सो अभी यहाँ पे इंजॉय करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और कुछ मौज मस्ती करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, बट पहले मौज मस्ती। काश मैं यहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर सकता और मुझे परमिशन मिल जाती, बट क्या करें यार, दिस इज अ गवर्नमेंट बिल्डिंग और मुझे यहाँ पे परमिशन नहीं और मामू हर तरफ खड़े हुए। बट कल की स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी, कल आपके भाई डाउन टाउन में ड्रोन फ्लाई करा था कि मामू एकदम से आ गए और मुझे भी नहीं पता लगा कि कहाँ से आए, और उसके बाद मुझे वार्निंग मिली, बट यह है कि आप हल्का पाँव रखना। कैपिटल बिल्डिंग और ये क्लोज है फॉर पब्लिक ड्यू टू कोरोना वायरस, सो अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड कर लिया, फोटोग्राफी कर ली, मौज मस्ती कर ली, और अभी यहाँ से निकलते हैं और किसी और जगह जाते हैं। और हालात आप देख रहे हो, गर्मी बेताशी है बट गर्मी टेम्परेरी है और जो शॉर्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है यार। तो अभी आगे चलते हैं। लगता है कि शहर में 24 घंटे बारिश ही होती है। हाँ जी भैया, जाने तो मैं लेडी बर्ड लेक हिल पे आया हूँ। जाने अगर आपके पास ड्रोन है और व्यू बहुत अच्छा है तो जाने आपके भाई को तो बहाना चाहिए ड्रोन उड़ाने का। तो अभी जाने यहाँ पे मैं ड्रोन शॉट्स बनाने आया हूँ, बता दे वॉक भी करते हैं और ड्रोन शॉट्स बनाते हैं। जी भैया, पीछे जो मेरे आप सब देख रहे हैं वो है डाउन टाउन ऑफ ऑस्टन। बाय द वे, आज आपके भाई आया था लेक में, ये पॉपुलर लेक है, उसके साथ साथ मैंने बहुत एंजॉय किया, ड्रोन शॉट्स बनाए और मौज मस्ती की और पिक्चर्स भी बनाई, पता नहीं अब कैसी आई है, बट मेरा और बारिश का रिश्ता ना बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह यार। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और डाउन टाउन। से निकलने के बाद डाउनटाउन लाजमी आना यार, यहाँ पे आके गली रूट मारना कभी मिस मत करना। हाँ जी भैया, जाने तो मेरे 1.5 घंटा लगा से मुझे पार्किंग ढूंढने में, और पार्किंग भी चौथी फ्लोर पे, हाँ मतलब बेइंतहा का पैक सिटी है यार, और इतना तो आपके भाई को पता लग ही गया। तो सर आप डाउनटाउन एक्सप्लोर करते हैं। मेरे ख्वाबों में से कुछ ख्वाब था, और ख्वाब ये था कि आपका भाई ऐसे ऑस्टन की गलियों से आप लोगों से मुखातिब, और
आगे चलते हैं जरा। जाने देखो, ये तो सोचा था कि घूमूंगा, बट ये नहीं सोचा था कि इतना एंजॉय भी साथ करूंगा। डाउनटाउन आके अपना शॉट कभी मिस मत करना यार, आपका भाई आपको जज बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ की नाइट लाइफ चकाचौंध से भरी पड़ी है यार, तो फिर सोचा क्यों ना अंडरवाटर कैरियर से मिलने चलते हैं। Is that real? Oh, it's real. Check this. So this is Igor. Oh. He's our iguana. Johnny, this is a 500 species. Check this. जॉनी ऑस्टिन पहुंचने के बाद माउंटेन, लेक और नेचर कभी मिस मत करना यार। इसीलिए आपके भाई ने गाड़ी टर्न की लेक ट्रेवल्स की तरफ। जॉनी, आई ड्राइव 1.5 आवर फ्रॉम माय होटल फॉर जस्ट दिस व्यू। जॉनी, दिस इज द वन ऑफ द फेमस लेक इन टेक्सास, लेक ट्रेवल्स। जानी अभी यहाँ तो मैं आया और मौसम के तहत इसको अभी क्लोज कर दिया गया, अभी यहाँ से सब वापस चले गए, बट अभी यहाँ पे रुकते हैं और ड्रोन शॉट्स तो बनते हैं ना यार। ये ब्लॉग और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। मैं हूँ स्नान इफ्तार और पार्ट अब ये है जानी। आई ड्राइव वन ऑफ द 1.5 आवर्स।